अरे कोई थकने वाला नहीं है, मधु केटप का वध होगा आज विजयादशमी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में अब बहुत ही जल्द सत्ता का संग्राम देखने को मिलेगा, इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां कर ली गई हैं और प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन इसी बीच बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, वार पलटवार चल रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो थक चुके हैं, हालांकि उनके पास अनुभव है लेकिन अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो थक चुके हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी पलटवार सामने आए। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ गया है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि आज विजयादशमी है, ऐसे में मधु केटप का वध निश्चित है। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। अच्छा सुनो, मैं आज विजयादशमी का मैं पूरे देशवासियों को, बिहार के वासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान उनको सुखी स्वस्थ और सानंद रखे और कोरोना मुक्त भारत हो, पूरा विश्व का कल्याण हो। आज विजयादशमी पर यही शुभकामना सब लोगों को। ट्वीट किया गया है, आपको ट्वीट किया है, थक चुकी है जनता उनसे, नीतीश कुमार से। अरे कोई थकने वाला नहीं है, मधु केटप का वध होगा आज विजयादशमी। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव पर इन्होंने प्रहार किया और कहा कि वध उनका निश्चित है क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल भी बदला नजर आ रहा है। हालांकि इस बार जो गठबंधन का स्वरूप है वो भी बदल चुका है, लड़ाई काफी जबरदस्त है। एक तरफ लड़ाई NDA वर्सेस महागठबंधन की दिख रही है, तो दूसरी तरफ अब NDA के अंदर जो JDU है वो चिराग पासवान को चुनौती दे रही है, तो चिराग पासवान कभी उनको चुनौती दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो लड़ाई है NDA वर्सेस महागठबंधन की है, लेकिन इसके साथ JDU वर्सेस LJP वाली लड़ाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर प्रहार करके ये कह दिया कि वो थक चुके हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया था कि मैं थका हूं या फिर तुमको ये बताना चाहिए कि जब बिहार त्रासदी से गुजरता है तो दिल्ली कहाँ चले जाते हो, वहाँ से बैठकर ट्वीट कहाँ से करते हो, तो ये तो तुमको बताना चाहिए कि तुम भाग जाते हो, जब बिहार आपदा से जूझता है तो आप रहते ही नहीं। तो जिस तरीके से तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर प्रहार किया, नीतीश कुमार ने उसी अंदाज में तेजस्वी यादव को भी लताड़ दिया। लेकिन अब जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि विजयादशमी के दिन मधु केटप का वध निश्चित है, कहीं ना कहीं बवाल मच गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इसका रिएक्शन क्या कुछ देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।